हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रद्धा स्टाइलिंग एंड फैशन। एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का ये वीडियो, आप एज ए वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं कहीं वेडिंग में, तो ये आपके लिए है। यहाँ पर मैं 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करूँगी जिन्हें आप अवॉइड करिए। जो जनरली एक दो मिस्टेक तो ऐसे हैं जो अनजाने में हो जाती हैं, हमको उस समय पता ही नहीं चलता, बट जिसके कारण हम बहुत ही एम्बेरस फील करते हैं। तो इन सब मिस्टेक से आप बचिए। इसमें से एक दो मिस्टेक तो इतनी रेयर हैं कि होती ही रहती हैं, लोग करते ही रहते हैं, उस समय उनको वो नहीं फील होता, बट वहाँ जाने के बाद वो मिस्टेक आपको रियलाइज होती है। मैं 5 पॉइंट्स की बात करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, अगर आप एक फ्लोर लेंथ गाउन या अनारकली पहन रहे हैं, तो मोस्टली लोग कहते हैं फ्लोर लेंथ आप गाउन ले रहे हैं या अनारकली बनवा रहे हैं, तो आप हील के साथ उसकी लेंथ, जब आप उसको बनवाएं या लें तो हील के साथ उसकी लेंथ नापें। एग्जैक्टली ऐसा ही करना चाहिए, तभी उसका लुक बहुत अच्छा आता है। बट ये अनारकली या गाउन आप अगर कहीं पहन के गए हैं और वहाँ आपकी छोटी सिस्टर की शादी है, या आप वहाँ ऐसे मेंबर हैं कि आपको सब कुछ संभालना है और सम टाइम आपको हील उतारना पड़ गया, तो जो 4-5 इंचेस की आपकी हील है ना, वो आपके लुक को सारा बर्बाद कर देगी अगर आपने हील उतार दी। तो इस तरह के ड्रेसेस वहीं पहन के जाइए जहां आप पूरे टाइम अपनी हील को कैरी करेंगी। कोई भी जरा सा भी काम धाम करना पड़ा हील उतार के, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे ऐसे ड्रेसेस के साथ। तो आप इस मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड करिए। आप फ्लोर लेंथ ड्रेस पहन रही हैं तो आप पहले मेक श्योर करें कि उस फंक्शन में आपकी हील नहीं उतारनी पड़ेगी, आपको पूरे टाइम आप हील कैरी करके ही रखेंगी। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि अभी सीक्वेंस वर्क बैक हुआ है, तो अगर आप सीक्वेंस वर्क का कोई ब्लाउज़ या अनारकली ड्रेस पहन रही हैं, तो उसके साथ जो आप पेयरअप कर रही हैं या दुपट्टा ले रही हैं या साड़ी ही कोई पहन रही हैं सीक्वेंस वर्क वाले ब्लाउज़ के साथ, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा लाइट वाले जो सिफॉन होते हैं या जो थ्रेड वर्क होते हैं, इनको कभी भी ना पहने। इवन जरी वर्क तो फिर भी कम ठीक है, पर थ्रेड वर्क और सिफॉन, वो सीक्वेंस वर्क में जिसमें बाहर की तरफ थोड़ा सा शार्प होता है, जिसके एचेस थोड़े से शार्प होते हैं, वो आपके पूरे दुपट्टे को बर्बाद कर देंगे और आप पूरे फंक्शन में आप अपने दुपट्टे को ही संभालती फिरेंगी, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा दुपट्टा, अपनी तरफ खींचेगा दुपट्टा, बर्बाद होगा, साथ में आपका टेंशन आपके दुपट्टे पे ही बार बार जाएगा, आप वहाँ इंजॉय भी नहीं कर पाएंगी और अपना दुपट्टा भी बर्बाद कर लेंगी। तो ये ड्रेस अगर पहन रही हैं तो आपको 1-2 मिनट 2-4-10 मिनट में आपको ये नहीं पता चलेगा। अगर आपने ट्रायल में ले लिया पूरा सीक्वेंस वर्क वाली अनारकली, उसके साथ आपने एक लाइट दुपट्टा ले लिया सिफॉन का, तो वो उस समय आपको 5-10 मिनट में वो फील नहीं देगा कि हाँ ये इसमें फंसेगा, बट जब आपने उसको पूरे डे के लिए या पूरे फंक्शन के लिए उसको अगर आप कैरी करेंगी, तो वो आपको बहुत परेशान करेगा और आपका दुपट्टा भी बर्बाद होगा। तो आप इस मिस्टेक से भी बचिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है, जिसे मैरिड वुमेन स्पेशली करती हैं, जो न्यूली मैरिड वुमेन होती हैं वो इसे बहुत करती हैं। आप दूसरे की शादी में जा रहे हैं जहाँ आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जहाँ आप क्लोज नहीं हैं, ये आपका फैमिली फंक्शन नहीं है, तो वहाँ आप हैवी लहंगे बिल्कुल भी ना पहने। हैवी लहंगे बहुत ही उस समय वो ओवर ड्रेस में भी आता है, प्लस आप खुद से, मतलब आप दूसरे जो देख रहे हैं आपको बार बार यही क्वेश्चन करेंगे ये कौन है, क्योंकि आपने अगर अपनी शादी का दुल्हन वाला लहंगा पहन लिया, किसी उनके रिश्तेदार हैं आपके, आपके रिलेटिव हैं दूर के, और आप उसमें पहन लिया, लोग सोचते हैं अभी मेरा लहंगा है मैं इसको पहन लेती हूँ। आपको, आप उस लहंगे को ऐसे मौके पर पहनिए जहाँ उसकी इम्पॉर्टेंस है, अपने लहंगे को सही जगह पे पहने। रिपीट करना इज ए गुड थिंग, बट ऐसी जगह जहाँ उसकी वैल्यू हो, जहाँ वो ओवर ड्रेस में ना आए, आप उसे करवा चौथ में पहनिए या आपके फैमिली फंक्शन में पहनिए, बट दूसरे के फंक्शन में आप अपने मैरिड वाले या अपनी शादी के लहंगे मत पहनिए, वो बहुत ही बुरा लगता है। मिस्टेक नंबर 4 इससे मिलती जुलती ही है, आप दूसरे के शादी में बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज ना पहने, स्पेशली जो आपकी रियल ज्वेलरी है, जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी है जो आपकी, वो दूसरे के शादी में बहुत ज़्यादा मत पहने, बहुत ज़्यादा दिखावा मत करें दूसरे के शादी में। अगर आप वहाँ क्लोज नहीं हैं, आपके घर की शादी नहीं है, तो वो भी बहुत ही गंदा लगता है। आपने मांग टीका भी लगा लिया, आपने पूरा सेट पहन लिया, लेयर वाले नेकलेस पहन लिए, आपने बड़े बड़े झुमके पहन लिए, हाथ में पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, तो वो भी बिल्कुल नहीं आपके पास है, अच्छी बात है, बट सारी चीज़ें एक साथ नहीं अच्छी लगती। आप उसे अपने फैमिली फंक्शन में पहनिए, दूसरे की शादी में इतने ज़्यादा ज्वेलरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो आप अगर दूसरे के यहाँ शादी में जा रहे हैं तो ओवर ज्वेलरी से बचिए, वो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्पेशली यंग एज की लड़कियों के लिए है। अगर उनकी सिस्टर की शादी है, उनके ब्रदर की शादी है, मौसी मामा किसी की भी शादी है, तो ये लड़कियाँ
जो टीन एज वाली हैं या कम एज की लड़कियां हैं वो इस मिस्टेक को बहुत ज़्यादा करती है। इंटरनेट पे या कहीं भी देखा एक बहुत ज़्यादा टिपिकल सा कॉम्प्लिकेटेड सा ड्रेस, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश सा ड्रेस, और उसको ले लिया कि हाँ भाई शादी में है, शादी है तो मैं यही पहनूंगी। पर इस मिस्टेक से भी बचिए। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ऐसा होता है, पर सम टाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैशनेबल या ट्रेंडी ड्रेस ले ली बट आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपके ऊपर वो सूट नहीं कर रही, आप कैरी करने के बाद आपके अंदर वो ग्रेस नहीं आ रहा है और आपने अच्छा खासा उसके साथ इन्वेस्ट कर दिया और फिर अब आप उसे पहन, सिर्फ इसलिए आपको पहनना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसमें अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इस मिस्टेक से भी बचिए। आपका जब कोई अपने घर का फंक्शन है तो आप उसमें ऐसे ड्रेस लीजिए, ऐसे ड्रेस में पैसे इन्वेस्ट करिए जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, जिनमें आप जिसको आप ग्रेसफुली कैरी कर सकती हैं, पहनने के बाद आपको एक परफेक्ट लुक दे, आपको वो फील दे कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट विद दिम। और ये सब मिस्टेक जो ऐसी हैं जो ट्रायल में आपको नहीं पता चलती, 5 मिनट 10 मिनट इधर मटका उधर मटका फ़ोटो खींच ली, उस समय हमें नहीं लगता कि लगता है हाँ। और ट्रायल तो वैसे भी हम पब्लिकली नहीं करते ना, तो ट्रायल के टाइम आपको इन मिस्टेक के बारे में नहीं पता चलेगा। जब आप पूरे डे में पूरे फंक्शन में वो ड्रेस कैरी करती हैं, फैमिली फंक्शन को बर्बाद मत करिए, ऐसे ड्रेस पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके ऊपर सूट करता है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, ये एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ ये लड़कियाँ बहुत बार करती हैं, फैशन के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा पहन लेती हैं और फिर कैमरा फेस करने में भी बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, खुद ही छिपी छिपी से रहती हैं। तो आप अपने फैमिली फंक्शन में ऐसी मिस्टेक मत करिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप, ये भी सब पर नहीं सूट करता है, ये हो सकता है आप हो उसमें मेंटेन, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत लें, जैसे हील भी आपने बहुत पहन ली, बहुत ज़्यादा हील पहन ली, साथ में आपने बहुत ज़्यादा एक बैग भी ले लिया, साथ में आपने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनी है, आपका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइनर है, इधर से खुला इधर से कटा या ऐसी स्लीव्स बनी है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं होती। समटाइम्स कुछ लोग ये सारी चीज़ें हो सकता है ग्रेसफुली मैनेज कर लेते हो, बट भी उनमें से ही मैं इतना सारा तामझाम एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरी तरह कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते होंगे। तो आप अगर आपके घर का शादी फंक्शन है और आप सोच रहे हैं बैग भी लेना चाह रहे हैं, आप हील भी पहनना चाह रहे हैं, ड्रेस डिजाइनर ड्रेस भी पहनना चाह रहे हैं, उसके साथ ज्वेलरी भी पहनना चाह रहे हैं, तो हो सकता है ये ट्रेंडी हो या फैशनेबल हो, बट अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे ग्रेसफुली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की मिस्टेक को भी अवॉइड करिए, एक दो चीज़ें इसके साथ डिस्कार्ड करिए। चीज़ें डिस्कार्ड करने से आपका लुक नहीं बर्बाद होगा, बट अगर ज़्यादा चीज़ें आपने ऐड कर ली तो हो सकता है कि आपका लुक बर्बाद हो जाए। इसलिए पहले ध्यान जरूर दें कि आप जितना कुछ ले रही हैं एक साथ, क्योंकि हम आ गए टिप टॉप होके 10 मिनट 15 मिनट के बाद ऐसे हो जाए अपने मतलब आपके ओवर ड्रेस से ही आपको ऐसा कर दे, आपको थकावट फील करे या अंदर से ये बेचैनी हो कि जल्दी से हम घर जाएं और ये सब तामझाम उतारें। तो अगर आप फैमिली फंक्शन या कहीं भी आप शादी फंक्शन में जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान दें, इस मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड करें। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है आती हैं बहुत चमक दमक के सज बज के, बट जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे बीते उनका उनके चेहरे की वो रौनक चली जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें ओवर ड्रेस्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ली हुई होती हैं जिससे वो सारी चीज़ें ईजिली कैरी नहीं कर पाती। तो इस बात का भी आप ध्यान दें, ऐसी मिस्टेक को भी आप अवॉइड करें, बचें ऐसी चीज़ों से। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।